एक बार फिर स्वागत करत बानी डांस के सबसे बड़का शो जोना के नाम बाड़े नेस्ले एवरीडे नाच नचैया धूम मचैया। आज के आखिरी परफॉर्मेंस के बारी आ गई बाटे, लेकिन परफॉर्मेंस से पहले हुई बप्पा गणेश जी के दिल के बात। दिल के बात पूछे खातिर और उनके द्वारा कोरियोग्राफ कैल गई लेगो और गाना पर परफॉर्म करे खातिर आ रहा बाड़े नु जोड़ी जोन काले परफॉर्मेंस में तनी तनी थोड़ा सा कमजोर पड़ गई। प्लीज वेलकम सबसे भोजपुरिया नौजवान के दिल के धड़कन सीमा सिंह और आरा के बाकस जोरनू सिंह। सीमा जी जोनू बाबू का सवाल बाटे न्यायमंडल से गणेश जी से का पूछे जा? मैं मास्टर जी से पूछना चाहूंगी कि क्या सोचकर कोरियोग्राफ करते हैं कि जो ऐसे हिट हो जाते हैं, आपके एक एक स्टेप्स आपके हिट हो जाते हैं, जो जो सिग्नेचर स्टेप्स होते हैं। जब हमारे पास गाना आता है तब उस गाने के पीछे एक प्रोड्यूसर मेहनत करता है, उसके बाद प्रोड्यूसर डायरेक्टर के पीछे मेहनत करता है, डायरेक्टर स्क्रीन प्ले डायलॉग, फिर वो ख़त्म होने के बाद म्यूज़िक डायरेक्टर के पास जाता है, म्यूज़िक डायरेक्टर के बाद लिरिक्स के पास जाता है, तब जाके गाना बनता है। अब गाना बनने के बाद वो गाना कोरियोग्राफर के पास आता है, तो उस कोरियोग्राफर को देखना चाहिए, उनकी आंखें उनके अंदर झांक के देखना चाहिए कि क्या है। अगर जिस दिन हर कोरियोग्राफर उनके अंदर झांक के आएगा तो हर एक नया मोमेंट निकलेगा। अगर वो कोरियोग्राफर अपनी खुद की कुछ करेगा तो कब कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कि मेरे कितने गाने हैं, मैं कई सालों से करते आ रहा हूँ। बेसिकली लास्ट सिंघम गाना था, सिंघम मतलब शेर होता है जो पंजा दिखाता है, करेक्ट, बॉडीगार्ड, सिंपल सी चीजें जैसे कि रास्कल, बहुत सारी चीजें। फिर बाद में दबंग हुड़ हुड़ दबंग दबंग जो पैंट का मूवमेंट है, और वो तो मैं गाने के अंदर जाता हूं, मैं वो लिरिक्स राइटर, वो म्यूजिक डायरेक्टर ने क्या सोच की धुन बनाई, क्या लिरिक्स है, क्या डायरेक्टर ने सोच के कॉन्सेप्ट दिया, उसके अंदर जाके ढूंढ के मूवमेंट लेके आता हूँ। मेरे पास कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है कि मैं खुद कुछ करूँ, मैं लोगों की मेहनत में जाके अपनी मेहनत को मिक्स करता हूँ और कोरियोग्राफ करता हूँ, तब जाके मेरे गाने आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जोनू सिंह क्या पूछ? मैं सर आपसे बस ये पूछना चाहूँगा कि आपने अपने पापा के बारे में बताया और आपने अपने सिस्टर के बारे में बताया, लेकिन आज तक आपने अपनी मम्मी के बारे में कभी नहीं बताया। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी मम्मी के बारे में कुछ हम लोग को बताएं। मैं अपने दुनिया में माँ को बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कुछ 19-20 साल में एक गलती की थी, मैंने अपनी माँ को छोड़ के अपना एक घर बसाया था, और वो तो बस ही नहीं सकता, जो माँ को छोड़ेगा वो घर कहाँ से बसेगा। उसके बाद मैं वापस आया, उसके बाद मैंने दुनिया छोड़ दी लेकिन माँ को नहीं छोड़ा। आज मैं अगर कह रहा हूँ मैं सिंगल हूँ तो सिर्फ मेरी माँ के वैसे, क्योंकि मैं माँ को बहुत प्यार करता हूँ। मैं मेरी माँ के आगे किसी को कुछ समझता ही नहीं, कोई भी हो, कोई भी हो, क्योंकि मैं बहुत टॉप का कोरियोग्राफर, टॉप पे था। मैं बताता एक चीज, और मैं एक फिल्म लिख रहा था स्वामी, और मैंने 5 साल उस फिल्म को लिखा, और लिखने के बाद मैंने मम्मी को, मेरी माँ से पूछा कि अभी मैं एक फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट करने जा रहा हूँ, और हो सकता है ये फिल्म में गाने नहीं है, जो गणेश आचार्य का स्टाइल है वो नहीं है, कमर्शियल नहीं है, आर्ट फिल्म है, आर्ट, तो क्या मम्मी को क्या चाहती? तो मेरी माँ ने एक ही सवाल, एक ही चीज़ मुझे पूछी, क्या हम चाल में रहते थे और वड़ा पाव खा के दिन निकालते थे, उससे बुरे दिन आएंगे? बोला उतने नहीं आएंगे। तो बोला फिर करना, क्या फ़र्क पड़ता है। और वो मेरी माँ ने कहा, और आज भी मेरी माँ मेरे साथ है, तो उससे बड़ी मतलब मुझे और कोई चीज़ लगी ही नहीं। तो मेरी माँ को मैं बहुत प्यार करता हूँ, माँ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा तो तुम भी बहुत आगे जाओगे, ये मंच या कोई भी मंच किधर भी नहीं। थैंक यू सर। इनका परफॉर्मेंस देखिए चाहता हम जानता नहीं, लेकिन उकरा पहले हम न्यायमंडल के और आप लोगन के कुछ दिखाया चाहता। मेरे सामने तो सलमान खान के भी कुछ नहीं है।
गया थोड़ा। हम ही हैं भोजपुरी डॉन। बहुत बढ़िया। जी स्माइल प्लीज। वाह 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 गणेश जी का कहवा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मेरे से अच्छा कोरियोग्राफ किया था। थैंक यू सर। सीमा मुझे अच्छा लगा अभी, तुम्हारा एक्सप्रेशन चेंज हो गया, शायद आंखों पे चश्मा लगा है इसलिए। नहीं अच्छा किया। थैंक यू सर, आपको चेंज तो दिखा। सुपर्ब। थैंक यू। जोनू जी परफॉर्मेंस वेरी वेरी गुड, वेरी नाइस। सीमा जी ठीक ठाक, नहीं बहुत ही बढ़िया। थैंक यू मैम। वाह 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 वाह। हम कुछ ना बोला, बहुत खुश आई। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। नंबरिंग मार्क्स याद बाटे केकर काका भिटाइल रहे? हाँ। का गणेश मास्टर जी 5 दिए थे और मैम 7। कानूदा आपके देलहन 7 मार्क। थैंक यू सर। थैंक यू सर। धन्यवाद सीमा, धन्यवाद जोनू जी, धन्यवाद। कृपया तो सब परफॉर्मेंस हो गई बाटे। आज के ऐतिहासिक फैसला के घड़ी आ गई बाटे। तो आज के बाटे LIC सुरक्षा चक्र में और के जाई विदाई कक्ष में, एक पता तुरंत पता चली हो तो साथे बनल रही है भैया ए बाबू। काहे की बहरहल बाटे डांस के पुरवैया जेकरा के देखत आड़न हमार कुल भगवान भोजपुरी रहवैया। नेस्ले एवरीडे नाच नचैया धूम मचैया रे भैया। एक बार फिर से स्वागत करत बानी डांस के सबसे बड़का शो जोना के नाम बाटे नेस्ले एवरीडे नाच नचैया धूम मचैया। पांचों टॉप जोड़ी नाच के कसौटी पर कसल जा चुकल बा। तो सबसे पहले हम न्यायमंडल से अब आग्रह करब कि फैसला बतावल जाए कि आज के ऊ बेमिसाल जोड़ी के बाद जे जीत ले ले बाटे नेस्ले एवरीडे नाच नचैया धूम मचैया में परफेक्ट पार्टनर ऑफ द वीक के खिताब और नाम बाटे निसार अनारा। और अब घड़ी आ गई बा मुकाबला के सबसे कठिन सबसे कड़ा कि न्यायिक प्रक्रिया के शुरू कर जाओ। आवता न्यूज। अरे रवि एक मिनट रुक जा। इस टाइम हम लोग आके वहां पे सुनाना चाहते हैं। स्वागत न्यायमंडल के स्वागत। रवि जी वो इसलिए हम तीनों यहां आए हैं क्योंकि आज जजेस चॉइस राउंड, मतलब आज जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो गणेश मास्टर या मेरे या कानू जी मास्टर के गानों पर डांस किए, इसलिए हमें ऐसा लगा कि हमें यहां आकर एलिमिनेशन अनाउंस करना चाहिए। पर आज जितने परफॉर्मेंसेस आज हमने देखे हम सब थोड़े से डिसअपॉइंटेड हैं। सबसे सभी पांच, से पांचों से पांचों ही डेंजर जोन में हैं। पांच के पांच डेंजर जोन में। लेकिन तारीफ तो बड़ा बढ़िया के ले रहलू आप लोग वजह से, बहुत बढ़िया बढ़िया कमेंट्स भेटाई ली लोगन। नहीं वो इसलिए क्योंकि हम इनका दिल नहीं दुखाना चाहते थे। पिछला जो देखे थे हम लोग परफॉर्म, वो उसके बाद हम लोग को लगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ होगा, लेकिन सब में पानी फिर गया। किस हक से आपने मुझे ये कहा कि मैं आपको दी बुला सकती हूँ? आपने ये भी नहीं पूछा कि क्या मैं बुला सकती हूँ। क्यों? एक्चुअली मेरी कोई बहन नहीं है बड़ी। बट अनारा जी मैं यहाँ कोई रिश्ता निभाने नहीं आई हूँ। और हमने ये डिसीजन लिया है
आज कोई एलिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन अगला हफ्ता काफी वाइल्ड कार्ड के जरिए चुनल जाए फिर से दूगो जोड़ी जोन बचल बाड़े पांचों टॉप जोड़ा ओकरा में और दूगो जोड़ा जोड़ जाए तो इंतजार करी हो। ये खेला अद्भुत हो गई बाटे। अगला हफ्ता फिर शनिवार रात 8 बजे हम रवि किशन आप लोगन के निहोरा करके इंतजार तक ये प्रणाम गोड़ लगा दानी गुड बाय सलाम शब खैर शुभ रात्रि।